नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज हम बात करेंगे अंगूर यानी ये ग्रेप्स। ग्रेप्स अभी तक सोचते आए हैं कि बाहर ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेप्स जो है हमारे नॉर्थ इंडिया में भी लग सकता है। और ये देखिए, घर की चौथी मंजिल पर है, इस तरह के गुच्छे जो है बने हुए हैं अंगूर के। और अब जो समय आ रहा है, अगले 20 से 25 दिन में ये सब पक जाएंगे। ये देखिए, जगह जगह गुच्छे लगे हुए हैं और ये घर की चौथी मंजिल पर लगा हुआ है। ये देख सकते हैं, ये अंगूर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। इस तरह आप भी अपने घर में लगा सकते हैं अंगूर। ये देखिए कितना बढ़िया, बड़े बड़े गुच्छे फुल फ्लैश लगे हुए हैं। और ये जैसे कि देख रहे होंगे आप, ये घर की चौथी मंजिल है जिस पे इतने सारे अंगूर लगे हुए हैं। एक आध दिखाने की बात नहीं है, ये जहाँ जहाँ देखेंगे, ये देखिए ये सभी ग्रेप्स लगे हुए हैं। और इसको मैं आज बताऊंगा आपको कि इसको कैसे लगाना चाहिए, किस साइज़ का जो है आपका पॉट होना चाहिए। जब छत पे आप लगाते हैं इसको या बालकनी में लगाते हैं, तो क्या हमें सावधानी बरतनी है, क्या क्या न्यूट्रिशन देना है कि इस तरह से भरपूर ग्रेप्स हमारे घर में ही मिल जाए। तो आइए दोस्तों, जानेंगे आज इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हमने चौथी मंजिल, घर की चौथी मंजिल पर जो है अंगूर का फल ले लिया है। तो आज मैं आपको जो है तरीका बताऊंगा कि इसको लगाना कैसे है, क्या फर्टिलाइज़र डालना है। तो ये सारी चीज़ें हम अब जानते हैं कि कैसे लगा रहे हैं, किस चीज़ में लगाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि अंगूर के इस पौधे को जो है, देखिए छोटा सा पौधा है ये, आपको 100-150 रुपए में या 200 रुपए में वैरायटी के हिसाब से आपको मिल जाता है ये पौधा, और थैली में लगी होती है। तो इसको हम अपने घर में किसी चीज़ में लगा सकते हैं। तो मैं जो है किसी ड्रम में, किसी उसमें नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो किसी ड्रम में परमानेंट में लगाएं या किसी प्लांटर में बढ़िया में लगाएं, तो उसका साइज़ कम से कम 25 से 30 इंची का होना चाहिए। अब ये देखिए, हमने लगाने के लिए कट्टा सेलेक्ट किया है जो कि 50 किलो का ये कट्टा है, और इसमें हमने सॉइल रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम ये पौधा लगाएंगे अंगूर का, और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, क्या क्या हमें डालना है, आप लोग ध्यान से देखिए ताकि आपको क्लियर हो और आप ये पौधा अपने घर में लगा के ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट प्राप्त कर सकें। कहने का मतलब, ऑर्गेनिक अंगूर आप अपने घर में ले सकते हैं। ये हमारा जो कट्टा है उसमें हमने गार्डन सॉइल पूरा फिल किया हुआ है। अब अंगूर को क्या चाहिए, अंगूर का जो पौधा है उसको कुछ खास न्यूट्रिशन चाहिए होता है, थोड़ा सा हटके। वो क्या है, जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम हर पौधे को चाहिए होता है, उसकी नीड है। ये देखिए आप, ये देखेंगे कैल्शियम के लिए कोई बोन मील या कुछ और यूज़ नहीं कर रहे हैं हम जो यूज़ करते हैं आपको बताता रहता हूँ मैं। और ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से पत्थर जो होता है पहाड़ों में, उसका पिसा हुआ पार्ट है जिसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस और जिंक तीनों होता है। तो हम इसको कितना डालेंगे, देखिए ये हम इस पौधे कट्टे के अंदर जो है 2 से 3 मुट्ठी हम डाल देंगे, और ये साल में एक बार ही आपको डालना है, कोई हर बार आपको नहीं डाल के चलना है। इसको डाल के और इस तरह से हम मिक्स कर देंगे, देखिए इस तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये इसके रूट्स को जो है ये ताकत मिल जाए और पौधा हमारा बहुत अच्छे से चले। दूसरी चीज़ हम डालते हैं, नीम खली डालते हैं ताकि वो एंटी फंगल का काम हमारा ये करे। तो नीम खली हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ये 2 मुट्ठी नीम खली हमने डाल दी। ये क्या करेगा नीम खली, कि एक तो जो है एंटी फंगल का काम करेगा जड़ों में, और दूसरा देखते हैं कई बार कि अपने पत्ते जो है चमक रहे होते हैं, बहुत शाइनिंग आती है पत्तों में। तो पत्तों में शाइनिंग क्या आती है, जैसे हम क्रीम पाउडर लगाते हैं, इसी तरह प्लांट को भी शाइनिंग की ज़रूरत होती है। पत्ता जितना स्वस्थ रहेगा उतना फूड बनाएगा, उतना फूड बनाएगा जितना, उतना ही हमारा प्लांट ग्रो करेगा, मतलब बढ़िया चलेगा। तो इस तरह से हम नीम खली इसलिए मिलाते हैं। अब तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या मिलाएंगे हम, वो मिलाएंगे हम जो हमारा फ्रूटिंग मिक्स। फ्रूटिंग मिक्स देखिए, फ्रूट मिक्स क्या होता है, जो कोई भी फल वाला प्लांट है, चाहे वो नींबू है, संतरा है, अमरूद है, आम है, सभी के लिए ना कंप्लीट न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है, वो चीज़ हम डाल देंगे इसके अंदर। ये कितना डालेंगे, इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ये देखिए इसकी मात्रा, ये नया पौधा लगा रहे हैं तो इतना बहुत है। अब इसको अच्छे से हम मिक्सिंग कर देंगे, ये मिक्सिंग करनी नीचे तक ज़रूरी है, क्योंकि जो प्लांट का रूट है वो नीचे जाएगा,
और नीचे फूड मिलेगा तभी हमारा प्लांट जो है अच्छा ग्रो करेगा। तो इसकी मिक्सिंग इसलिए की जाती है। अब इसको हम इसमें जगह बना लेंगे खोद के और फिर हम इस पौधे को लगाएंगे। ये देखिए इसको लगाने के लिए क्या करना है आपने, ये पॉलीथीन जो है इसको निकाल देना है। कभी भी पॉलीथीन के साथ मत लगाइए पौधे को। ये देखिए ये निकल गया। अब इसके रूट जो हैं बढ़ने के लिए तैयार हैं। जैसे इसको जगह मिलेगी जो रूट था वो सारा इसमें डेवलप होगा और एक साल के अंदर, अब हम लगा रहे हैं अप्रैल का महीना है और अगले साल जो मार्च का महीना आएगा फरवरी मार्च में, फरवरी में इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम तक जो है अगर अच्छी आपने इसकी देखभाल कर ली तो ये कम से कम 10 से 15 फुट की 20 फुट की बेल हो जाएगी और अगले साल 4-5 गुच्छे अंगूर के आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसकी केयरिंग जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से करेंगे तो इसको फल आने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये देखिए इस तरह से इसको हम इसमें फिट कर देंगे। अब इसकी रूट हमने डिस्टर्ब नहीं किया दोस्तों, तो इसको हम चाहें तो थोड़ा सा फ्रूटिंग मिक्स जो है एक्स्ट्रा भी हम इसमें डाल सकते हैं। ऐसे देखिए ये कितना थोड़ा सा का मतलब ये है कि एक मुट्ठी मान लें, एक मुट्ठी हमने इसके चारों साइड डाल दी तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जल्दी न्यूट्रिशन इसको मिल जाएगा। अगर ये रूट धो करके लगाते तो ऐसा खाद हमें नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाता, मतलब कि एकदम से रूट के साथ पड़ेगा खाद तो नुकसान करता है। लेकिन हमने ये रूट डिस्टर्ब नहीं किया है तो उसमें डाल दिया। अब इस मिट्टी को इसके साथ साथ हमने भर दिया। ये देखिए ये पौधा हमारा फॉर्मली सेट हो गया। अब पानी डालना है और धूप में ही रखना है, कोई ऐसा नहीं है हमें कि कहीं छांव में रखना है कुछ करना है। रूट डिस्टर्ब होता तब तो हम छांव में रखते, तो रूट डिस्टर्ब हमने नहीं किया है। इस तरह से एक बार पूरी डीप इरीगेशन दे देनी है, फिर 2 दिन आपको पानी नहीं देना है क्योंकि पौधा है छोटा, हमारी जगह बड़ी है तो उस हिसाब से हमारे पौधे को इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। जब ये बड़ा हो जाएगा, गर्मी का टाइम है तो आपको डेली भी डालना पड़ सकता है, दोनों टाइम भी डालना पड़ सकता है। अदरवाइज़ अभी जब लगा रहे हैं तो इतनी पानी की आवश्यकता इसको नहीं है कि रोज़ रोज़ डाला जाए, पौधा छोटा है। और मैंने जैसे कि बताया अगर उसी हिसाब से केयरिंग करते हैं तो आपका एक साल के अंदर मतलब आने वाले फरवरी तक जो ये पौधा है हो सकता है 15 से 20 फुट 25 फुट भी हो सकती है इसकी ग्रोथ और आपको अंगूर मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी दी है, इससे कोई रिलेटेड आपके क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर केवल व्हाट्सएप करिए, कॉल नहीं करिए। धन्यवाद दोस्तों, बने रहने के लिए।